हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तभी तो भारत को एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है और इनसे जुड़े कई लोग कई जगहों पर रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि गंगा किनारे बसा हुआ है और ये शहर अपनी शांति और हरियाली के लिए पूरे भारतवर्ष में मशहूर है और यहाँ पर तीन धर्मों का मेल होता है। बता दें आपको, वो शहर है बनारस। धर्म ग्रंथों के अनुसार भारत के सात शहरों में सबसे प्राचीन और पवित्र शहर है बनारस। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर केवल हिंदुओं के लिए पवित्र नगरी नहीं है, बल्कि वाराणसी बौद्ध धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है। तो बौद्ध धर्म के प्रवक्तक महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले अपने 5 अनुयायियों को एक वृक्ष के नीचे सत्य का पाठ पढ़ाया था। चलिए बताते हैं आपको इस अद्भुत शहर की विशेषता के बारे में। सारनाथ बनारस से ठीक 10 किलोमीटर पूर्व में बसा सारनाथ बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद यहीं पर सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था। यहीं पर बहुत सारे स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया है जिनकी सैर के जरिए इस धर्म को करीब से जानने का मौका भी मिलता है। बनारस को घाटों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बहुत से घाट बने हुए हैं। सबसे रोचक बात तो यहाँ पर ये है कि इनमें से हर घाट का एक अनोखा इतिहास है जो इसे और भी ज़्यादा खास बना देता है। बनारस में एक ऐसा घाट भी है जिसका नाम है नारद घाट। यहाँ के लोकल लोग ये मानते हैं कि इस घाट पर श्राप है कि अगर कोई विवाहित व्यक्ति यहाँ स्नान कर ले तो उसे वैवाहिक जीवन में अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका उपाय भी बताया गया है। कहते हैं कि नारद घाट पर पति पत्नी को एक साथ नहाकर ही इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। बताते हैं आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में। इस घाट के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि इस घाट पर हमेशा कई सदियों से चिताएं जलती आ रही हैं। इस घाट पर हर समय किसी न किसी इंसान की चिता जरूर जलती है। दुर्गा मंदिर बनारस में बना। 18वीं शताब्दी में ये दुर्गा मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में बहुत सारे बंदरों के कारण इसे मंकी टेंपल भी कहा जाता है। मान्यता ये है कि जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है वो यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई थी। तो वहीं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को यहाँ का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की वाराणसी में सबसे ऊपर महिमा है क्योंकि यहाँ विश्वेश्वर या विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग का एक बार दर्शन मात्र किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग से कई ज़्यादा गुणा फलदायी माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं सारनाथ में बने जैन मंदिर के बारे में। सारनाथ में एक जैन मंदिर भी बनाया गया है जिसे जैन तीर्थकर सुप्रनाथ ने बनवाया था। इस मंदिर में श्वेतांबर संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से बनारस शहर तीन धर्मों को जोड़ता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।